नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाई एस्ट्रोलॉजर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं जन्म कुंडली में वास्तु दोष के बारे में। हम जन्म कुंडली के द्वारा वास्तु दोष को कैसे समझें, क्या हो सकता है वास्तु दोष हमारी जन्म कुंडली के द्वारा, और क्या वो वास्तु दोष है वो किस समय रिजल्ट देगा। क्योंकि जन्म कुंडली में अगर कोई वास्तु दोष है तो वो हमें लगा हुआ है, लेकिन उसका एक टाइम आता है, उस टाइम पे वो एक्टिवेट होगा, और एक टाइम आता है जब उस वास्तु का रेमेडीज भी होगा और उससे संबंधित हमें रिलीफ में मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ट्रेडिशनल वास्तु का नाम सुना होगा, यानी कि जो हम सब जानते हैं कि भाई ईशान कोने में मंदिर होना चाहिए, और आपका जो आग्नेय कोना है उसके अंदर किचन होना चाहिए, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोने के अंदर हमारा जो है वो बेडरूम होना चाहिए जो हमारा मास्टर बेडरूम है, ये सारी चीजें, और भी सेंटर खाली होना चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं वो हमने देखी हैं ट्रेडिशनल वास्तु के अंदर। लेकिन जन्म कुंडली के द्वारा जो एस्ट्रो वास्तु है उसको देखना बहुत जरूरी है, और उसके द्वारा ही हम पता कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियां देखी है जिनमें मैंने उन लोगों को ये बताया कि तुम्हारे घर में ये वास्तु दोष है, इस कारण तुम्हें परेशानियां हो रही है, और वो उन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उन्होंने अपनी जन्म कुंडलियां बहुत सारी जगह दिखाई लेकिन कोई रिलीफ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में उस समय वास्तु दोष था। उस वास्तु दोष को वो दूर करने के बाद ही उन्हें रिलीफ आ सकता था। ये कब हमें पता चलता है, कब एक्टिवेट होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और एस्ट्रो वास्तु से समझने के लिए, यानी कि जो वास्तु ज्योतिष है उसको समझने के लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप उसको भी देखें, बहुत अच्छा वीडियो है। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, ज्योतिष के अंदर जो प्रैक्टिकल वीडियो है इस चैनल पे आपको सारे के सारे मिलेंगे, और एक से एक बढ़िया वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो हम इस जन्म कुंडली का चर्चा करते हैं। जब भी हम वास्तु को देखते हैं, एस्ट्रो वास्तु को देखते हैं, तो हमें लग्न कुंडली और निरायण भाव चलित कुंडली इनके ही जाना चाहिए, नवमास दस मास इन पे नहीं जाना। क्योंकि जो लग्न कुंडली है वो हमारे पूरे जीवन का साना है, यानी कि हमारा घर, हमारे भाई बहन परिवार, पूरा घर और घर से संबंधित जो भी चीजें पड़ी है वो सब लग्न कुंडली पे ही डिपेंड है। तो इसके लिए आप दस मास में जाके वास्तु दोष न ढूंढे, ये आपकी गलती होगी, गलत फहमी होगी। निरायण भाव चलित में जरूर आपको कुछ आइडिया हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा 99% की जन्म कुंडली पे ही वास्तु दोषों को ढूंढे, इसलिए आप इसमें सहायक कुंडलियों का प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं इस जन्म कुंडली के ऊपर। ये जो जन्म कुंडली है ये तुला लग्न की जन्म कुंडली है। तुला लग्न के जो मालिक है वो है शुक्र देवता। शुक्र देवता जो है वो यहाँ पे जन्म कुंडली में दशम भाव में विराजमान है। तो ये पता चलता है कि लग्न का दशम भाव में जाना जातक जो है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सर्विस में जरूर आएगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पे नीच का मंगल बैठा है, शुक्र यहाँ पे जो है वो चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा 12वें घर में बैठा है, तो इसका मतलब है कि शुक्र यहाँ पे लग्नेश थोड़ा सा कमजोर है, और मंगल जो है वो यहाँ पे नीच का होकर विराजमान है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। तो शुक्र यहाँ पे थोड़ा सा जरूर कमजोर है, जातक को प्रोफेशन में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी कभी ना कभी। अब ये जो मंगल है वो चतुर्थ भाव को देख रहा है, नीच का मंगल अगर चतुर्थ भाव को देखे, चतुर्थ भाव हमारा घर है, ये भाव ही बताता है कि हमारे घर का वास्तु जो है वो गड़बड़ होगा या कभी न कभी गड़बड़ होगा, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। दशम घर के अंदर बैठे हुए मंगल की चतुर्थ भाव पर दृष्टि, यानी नीच के मंगल की, इसका मतलब है कभी न कभी हमारे घर का जब वास्तु गड़बड़ होगा तो हमें प्रोफेशन से संबंधित दिक्कत जरूर आएगी, यानी कि हमारी प्रतिष्ठा से संबंधित या प्रोफेशन से संबंधित दिक्कत जरूर आएगी। अभी वास्तु बिगड़ता कब है, जब अष्टम भाव का कोई ना कोई ग्रह, यानी अष्टम भाव में बैठा हुआ अशुभ ग्रह, और अष्टम भाव का कोई ना कोई ग्रह अगर चतुर्थ भाव से संबंध बनाए और कोई ना कोई नेगेटिव ग्रहों की अंतर दशाएं या प्रत्यंतर दशाएं चले, तो हमारा वास्तु वहां पर एक्टिव होगा और वहीं पर हमें परिणाम देगा। अभी जो जन्म कुंडली है इसके अंदर अगर हम ये देखें तो गुरु अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है गुरु, और गुरु यहाँ पे विपरीत राज्यों की थ्योरी में भी आता है, क्योंकि गुरु छठे घर का मालिक है, लोग इसे विपरीत राज्यों की थ्योरी में मान सकते हैं और विपरीत राज्यों के द्वारा इसके परिणाम भी काउंट करते हैं। लेकिन आप ये हमेशा जाने कि अगर कोई ग्रह इसी कुंडली का नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है बुरा ग्रह, यानी कि यहाँ पे गुरु जो है वो तीसरे घर का मालिक है और छठे घर का मालिक है, दोनों ही ग्रह भाव जो है वो अच्छे नहीं है, उन दोनों भावों का मालिक जो है वो गुरु यहाँ पे अष्टम भाव में बैठा है, तो ये रिजल्ट कई बार अच्छा जरूर देगा, लेकिन आप ये माने कि ये जो गुरु है ये कहीं ना कहीं अगर जिस दिन चतुर्थ भाव से संबंध बनाएगा उस दिन आपके घर में कोई ना कोई उतार चढ़ाव करेगा और वास्तु से संबंधित और 12वें घर से संबंध इसका बनेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस चीज को जरूर ही जरूर जान ले। तो ये जो जन्म कुंडली है ये हमारे पास एक महीने पहले आई थी, तो हमने इसका एनालिसिस किया था दस मास कुंडली का और सबका,
तो ये जो जातिका है ये कर्म से संबंधित यानी कि प्रोफेशन से संबंधित बहुत परेशान है और इसको मान प्रतिष्ठा से संबंधित कामकाज में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है, जिसके कारण इन्होंने जन्म कुंडली का एनालिसिस करवाया। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को जन्म कुंडली दिखाई, हवन पाठ पूजन या कई सारी चीजें कराई रेमेडीज रत्न के अलावा, तो रिजल्ट जो है वो आया नहीं। तो जब हमने इस जन्म कुंडली को देखा तो हमने ये देखा कि जो जातिका के जो शनि की महादशा जो स्टार्ट हुई है फरवरी 2018 से, ये जो शनि है वो जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का मालिक है और राहु के नक्षत्र में है। राहु जो है यहाँ पे जन्म कुंडली में नवम भाव में आ रहा है। और अगर हम निरायण भाव चलित को देखेंगे, बहुत जरूरी है निरायण भाव चलित को देखना, तो निरायण भाव चलित में राहु जो है वो अष्टम भाव में जा रहा है और शनि जो है वो पांचवें भाव से चतुर्थ भाव में आ रहा है। इसका मतलब है कि चतुर्थ भाव को भी एक्टिवेट कर रहा है शनि और चतुर्थ भाव का मालिक भी है जन्म कुंडली में। और अष्टम भाव में राहु का आना, नवम भाव से निकल के अष्टम भाव में आना, यानी कि अष्टम भाव का सबल कार्य सोना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जातक का चतुर्थ भाव का संबंध अष्टम भाव से हो रहा है। तो अब इस जन्म कुंडली में शनि के आने से अब जातक के जीवन में घर में वास्तु दोष क्रिएट होगा। अब ये वास्तु दोष कब क्रिएट होगा इसका देखना है, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि कह रहा है तुम्हारे घर में वास्तु दोष होगा। जब शनि आएगा तो वो जातक के वास्तु दोष पहले से होके आएगा, या तो वो अपना मकान जो है वो चेंज करके आ जाएगा, स्वयं का मकान होगा तो उसमें तोड़फोड़ करेगा। अब ये तोड़फोड़ कब करेगा उस टाइम पीरियड को हम कैसे देखेंगे, कि शनि से पहले गुरु की महादशा और गुरु के अंदर जब राहु का अंतरा आया होगा, क्योंकि राहु जो है अष्टम का रिजल्ट बना रहा था भाव चलित में, हमने जब देखा था, तो राहु का जो अंतरा आया और उसके साथ जो है शनि आया और शनि जो है वो चतुर्थ भाव में आया है भाव चलित के अंदर और राहु के नक्षत्र में है, यानी कि सतपिशा नक्षत्र में है जो राहु का है, राहु अष्टम भाव में है। तो इसका मतलब है कि ये जो शनि है वो कहीं ना कहीं वास्तु दोष क्रिएट करेगा। तो अब हम ये देख सकते हैं कि दो बुरे ग्रह हैं राहु और शनि। जब भी हम घर में वास्तु से संबंधित कोई चीज़ों को एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे राहु केतु शनि का योग होना बहुत ही जरूरी होता है। वो कभी ना कभी जब आते हैं तो वो इस तरह के योग बनाते हैं, या कोई ग्रहण योग होता है तो वो जो भी जन्म कुंडली के अंदर नेगेटिव योग हैं, जैसे चांडाल योग, ग्रहण योग और अंगारक योग, ये जो योग है यही योग जो है घर में वास्तु दोष से संबंधित योग बनाते हैं। तो ये सीधे तौर पे मैंने जब इस जातिका से बात की तो मैंने यही कहा था कि गुरु में राहु, राहु में जब शनि आया, यानी कि 26/5/2016 से लेके, और केतु चला है कितना 15/2/2017 से लेके 6/4/2017, यानी कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो ये है कि मई 2016 से लेके अप्रैल 2017, यानी कि जो एक वर्ष यानी 11 महीने का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड के अंदर तुमने घर में कोई ना कोई तोड़फोड़ की होगी, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कराया होगा, यानी मान लीजिए छत पे ऊपर कोई कमरा करा लिया होगा, या रसोई में कुछ जो फर्श है या फिर वहां पे कुछ भी ऐसा कोई तोड़फोड़ की होगी, कुछ चेंजेज किया होगा। तो ये क्या चेंजेज आपने किया है या नहीं किया, तो जातिका ने सोच के बताया कि हाँ हमने चेंजेज किया। मुझे पक्का आइडिया था कि जातिका ने कहीं ना कहीं जो शनि बैठा है इस दिशा में, यानी कि ये जो दिशा है यहां से यहां तक, यानी कि इस दिशा में कुछ ना कुछ तोड़फोड़ की है, यानी जहां पे शनि बैठा है या फिर राहु बैठा है और गुरु यहाँ बैठा, यानी साउथ वेस्ट का कोना और नॉर्थ और वेस्ट का कोना, यानी कि जो वायव्य कोना है और नैऋत्य कोना, इस दोनों कोनों के मध्य में, यानी इस दोनों कोनों के बीच में कोई ना कोई तोड़फोड़ की होगी। तो जातिका ने स्वयं बताया कि हमारा जो टॉयलेट बाथरूम था वो पहले यहाँ पे था, यानी कि जहाँ पे शनि विराजमान है यहाँ पे था। तो इन्होंने इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि ये जो गुरु में राहु, राहु में जब शनि आया, तो इस और शनि से लेके बुध तक के जो पीरियड में, यहाँ के इस पीरियड के अंदर हमने ये टॉयलेट बाथरूम यहाँ से हटा के यहाँ पे साउथ वेस्ट का जो कमरा था उसके पास में यहाँ पे बनाया, जो कमरे के अंदर अटैच हो गया। ये जिस दिन कराया उसके ठीक 5-7 दिनों के बाद, या जो भी ये वास्तु एक्टिव हुआ, यानी 10-15 दिन या 21 दिन के बाद, उस दिन के बाद इनको प्रोफेशन में दिक्कत आनी शुरू हुई और ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई है। यहाँ पे दक्षिण में जाना वास्तु के अनुकूल गलत नहीं था, लेकिन ये वास्तु दोष इनकी कुंडली में था कि आपको इस टाइम पे नेगेटिव होगा। दक्षिण में टॉयलेट बाथरूम का जाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन इनको ये वास्तु सूट नहीं करा, क्योंकि गुरु यहाँ पे था तो ये वास्तु यहाँ पे सूट नहीं करा, और इसका कारण यहाँ पे इन्होंने वास्तु से संबंधित दोष क्रिएट किया, और वो क्रिएशन किया हुआ जो वास्तु दोष था इसको शनि की महादशा में भुगतना पड़ा, जिसके कारण इनकी नौकरी में बहुत सारी परेशानी आई और नौकरी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आया। ये जो है आप जन्म कुंडली से देख सकते हो कि इस तरह के वास्तु दोष जो है हमारे साथ क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई हमारी जन्म कुंडली में ऐसा ग्रह आता है
जो वास्तु दोष दिखा रहा हो, तो उससे पहले कुछ हिंट्स आते हैं कि ये अंतरदशाएं प्रत्यंतर दशाएं आएगी जहां पे ये वास्तु दोष क्रिएट होगा, तो उस टाइम पीरियड में ये वास्तु दोष क्रिएट होता है और उसका जो रिजल्ट है उस नेगेटिव अंतरदशा के आने पे हमें मिलता है। तो ये चीज आप हमेशा जान रखें, और जब भी आप वास्तु से संबंधित एनालिसिस करते हो तो जन्म कुंडली के अंदर इन चीजों को जरूर देखें, यानी जन्म कुंडली में ही देखें, भावचलित में भी देखें कि शनि राहु केतु या कोई ना कोई जो दोष बना हुआ है वो कहीं ना कहीं क्या आपको परेशानी दे रहा है, उन सब चीजों के बारे में एनालिसिस करें। यहाँ पे विपरीत राज्यों की जो थ्योरी है वो उतने दिन तक थी जब तक गुरु की महादशा में अच्छे ग्रह आ रहे थे, गुरु जो है वो शनि से संबंध नहीं बना रहा था, तो इस जन्म कुंडली में वास्तु संबंधित दोष नहीं हो रहा, क्योंकि शनि से संबंध बनाए बिना वास्तु दोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक है शनि, और चतुर्थ भाव में भावचरित में जब तक जन्म कुंडली में अंतरदशाओं में चतुर्थ भाव एक्टिवेशन में नहीं आएगा तब तक उस वास्तु दोष का आपको नुकसान नहीं लगेगा। इसलिए जब तक गुरु की महादशा चली जब तक दातिका के कुछ भी नहीं था, जिस दिन गुरु की महादशा उतरी और शनि लगा और शनि ने चतुर्थ भाव को एक्टिव किया, सबसे ज्यादा एक्टिव जब हुआ जब ये गुरु के अंदर राहु आया और राहु में शनि आया, तो एक्टिव होके वो रिजल्ट बना, और उसके बाद वो जो रिजल्ट है उसने जब रिजल्ट दिया वो दिया शनि के अंदर। तो ये आप ये हमेशा ध्यान रखें, कोई भी तरह का वास्तु फॉल्ट आपके घर में है तो जरूरी नहीं है कि वो है तो उसका परिणाम आएगा, कई बार उसकी अंतरदशाएं नहीं आती तो वो परिणाम नहीं आते। तो इसीलिए जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग जो वास्तु हमें मिलता है उसी पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस जातिका को हमने बाद में कुछ रेमेडीज जो है वो जरूर बताई है, जैसे यहाँ पे जो टॉयलेट बाथरूम है इसको यूज कम करें, आप बना लिया तो बना लिया उसका क्या, इसको यूज कम करें। यहाँ पे कोई ग्रीन जो मतलब कोई पौधा है जो पवित्र पौधा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो भी पौधा है वो वहाँ पे रखें, और इसमें लाइट जो है वो जला के रखें, उसमें अंधेरा ना रखें, और कोशिश करें इसको कम से कम यूज करने का। और जो आपका जो टॉयलेट जो आता है आजकल जो इंग्लिश टाइप का जो टॉयलेट है वो जमीन से नहीं होना चाहिए, वो दीवार से, यानी कि जो दीवार है उसके अंदर से बाहर निकला हुआ आना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा जो जो इंग्लिश जो टॉयलेट है वो जमीन पे पड़ा होता है, और कई टॉयलेट आते हैं जो दीवार में लगे होते हैं, दीवार से बाहर निकल के आते हैं, तो उस तरह का टॉयलेट लगवा लीजिए। और उसके बाद आपके घर का जो साउथ वेस्ट का कोना है उसके अंदर ऊपर छत पे लंबी लकड़ी लगा के वहाँ पे हनुमान जी की कोई ध्वजा लगाइए, और राहु और शनि से संबंधित पाठ पूजा करिए, और घर के अंदर भगवान वास्तु दोष निवारण जो यंत्र आता है संपूर्ण वास्तु यंत्र वो लगाएं, और इससे संबंधित पाठ पूजाओं को ध्यान दें, तो जाके आपके घर का वास्तु दोष जो है थोड़ा बहुत दूर होगा, तो आपको बड़ा अच्छा रिलीफ मिलेगा, नहीं तो ये जो परेशानी है वो चलती रहेगी। तो इससे संबंधित ये रेमेडीज है, और इससे संबंधित और भी कई सारी रेमेडीज है जो मंत्र की और तंत्र की कई सारी उपायों से संबंधित है, लेकिन ये एक जनरल रेमेडीज है जो आप कर सकते हो जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि और जो रेमेडीज होती है उनके कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं। वास्तु में अगर आप रेमेडीज गलत कर लेते हो, दृष्टियों के द्वारा भी इसमें रेमेडीज होती है, लेकिन अगर आप इस तरह की कोई रेमेडीज करते हो तो इसके कई बार साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं। जैसे कई बार हमने देखा हुआ होते हैं कि राहु जो है यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो अगर कोई अच्छा ग्रह है उसकी अगर हम दृष्टि अच्छी डाल दें, यानी कि शुक्र यहाँ पे बैठा है उसकी दृष्टि अच्छी है, तो शुक्र की हम यहाँ पे उसकी कुछ चीजें रख दें जिसके कारण राहु के ऊपर दृष्टि आ जाए, तो वो उससे संबंधित फलों को हटा देता है, कम कर देता है, तो इस तरह की हम दृष्टि भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी जन्म कुंडली में वास्तु दोषों को भी देख सकते हैं कि भाई हमारी जन्म कुंडली में अगर ग्रह कोई इतना बुरा नहीं है और बुरा रिजल्ट हमें नहीं लग रहा है तो क्या ऐसी घटना हुई है जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम आई है। तो ऐसी मेरे पास कई सारी और जन्म कुंडलियाँ हैं, मैं इसके अलावा और सारे वीडियो भी बनाऊंगा जो जन्म कुंडली के द्वारा वास्तु को कैसे समझे, और ऐसे ऐसे मैंने वास्तु के ऊपर लोगों को बताया है घर के अंदर कि तुम्हारा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, और वो वहीं पे निकला है और वो चीज़ें उन्होंने सही की और उनको ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। और ऐसी कुंडलियाँ भी है जो घर में एक बंदे के वो जो योग है वो उसके घर में चारों बंदों के ऐसे योग हैं, और वो चारों एक ऐसे वास्तु में रहते हैं जिनका जो उस घर के अंदर है वास्तु दोष, और उस कुंडली के अंदर वो चारों लोगों के कुंडली में ऐसा वास्तु है। ये मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा तो आप काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैं निकाल के दे दूंगा। तो जन्म कुंडली में हम ये चीज़ों को भी हम निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, ज्योतिष से संबंधित वास्तु से संबंधित। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।